तो क्या करें, कभी भी आगे चाहे। ये जो चोर पकड़े गए हैं, चार लोग पकड़े गए हैं, ये चोरी का गैंग है इनका पूरा। और हमारी जो नारकोटिक्स टीम है महावीर एंड कंपनी, और हमारे जो अतर इसके करेली के थाना प्रभारी अनुराग शर्मा और उनकी पूरी टीम, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा काम किया, जिससे हमारे धूमनगंज, खुल्दाबाद, अतरसुईया, करेली के चार चोरी के प्रकरण अनावृत हुए हैं। और इसमें भारी मात्रा में सोने के आभूषण, कंगन, मंगलसूत्र, अंगूठियाँ, कान, नाक के और सब महिलाओं के जो उपयोग के आभूषण हैं, ये भारी मात्रा में पकड़े गए। इसमें स्कूटी और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, और नकबजनी के सामान जो इनके राड वगैरह होते हैं, चापड़, चाकू, ये सब चीज़ें भी बरामद हुई हैं। एक अभी चूंकि आपने देखा कि चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, जिस पर DIG महोदय के द्वारा मीटिंग करी गई थी, और मीटिंग में उनके द्वारा सभी थाना प्रभारियों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। मुझसे भी उन्होंने कई बार फ़ोन से बात किया और कहा कि पूरी टीम लगाइए, चोरी हो रही है, अच्छी बात नहीं। जिस पर हमारी ये नारकोटिक्स टीम और करेली इंस्पेक्टर आपस में बातचीत कर रहे थे, इनको कहीं से सूचना मिली कि कुछ लोग उधर खड़े हैं, संदिग्ध हो सकते हैं, जिसमें इन्होंने घेराबंदी करी। और उनको जब पकड़ा इन लोगों ने, तो उनके पास जो सामान बरामद हुए, तो उनकी संदेह जो है वो पुष्टि में बदल गई कि ये चोरी है। और तलाशी में उनके पास से सारे आभूषण मिले, और जब पूछताछ की गई तो उन्होंने चार जगह बताया, और चारों घटनास्थल को तस्दीक करने के बाद पता चला कि थानों में मुकदमे लिखे हुए हैं, और वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी चोरियाँ हुई, 4.5-4 लाख कीमत की सामान्य लोग ले गए हैं, और वो सब चीज़ें जो बरामद हुई हैं, तो DIG महोदय के द्वारा प्रसन्न होकर के इन लोगों को पुरस्कृत भी किया गया है। और हम इस घटना के अनावरण के बाद जो इनके कार्य करने का तरीका है, जब उसको देखते हैं कि ये लोग रेकी करके जो घर 3-4 दिन से बंद है, उसमें ताले लटक रहे हैं, तो ये उसको टारगेट कर लेते हैं। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है, अपने नगरवासियों से और जनपद के सभी लोगों से, कि कृपया आप जब भी कहीं ऐसी जगह आपको जाना है कि 3-4 दिन आपको बाहर रहना है, तो आप संबंधित थाना या चौकी में अवश्य सूचित करें, जिससे रात गश्त करने वाले हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो उधर एक बार भ्रमण करके देख लें, जिससे कि कहीं पर चोरी ना हो पाए। सर, इसमें चार लोग गिरफ्तार हुए और भी हैं क्या इनके? ये जो चार लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें जो अनीस अहमद है, इस पर 11 मुकदमे हैं अतरसुईया से, 1 करेली से, और जो फिरोज अली है, इसमें GRP के 6 मुकदमे हैं। एक इसमें जो समीम है, ये प्रधान पद का प्रत्याशी रहा, प्रतापगढ़ का रहने वाला है। और अनीस ये ताला तोड़ने का काम करता था। एकाध दो लोग जो हैं जो रेकी करने में साथ में थे, वो अभी हमारे टारगेट में हैं, उनको हमें गिरफ्तार करना है। तो हमारी नारकोटिक टीम और करेली की टीम, इनका टारगेट है कि उनको गिरफ्तार करके अन्य मुकदमे जो अभी शेष है उनका अनावरण करें।